दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्त अगर देखा जाए आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। आप सभी लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो सेकंड फेज के काउंसलिंग 26 अक्टूबर से स्टार्ट है उसका शेड्यूल हमारे बीच में कब जारी होगा। तो बिल्कुल यहाँ शेड्यूल हुआ जारी, इसके संदर्भ में हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। उसके नीचे देख पा रहे हैं आप ये भी पूछ रहे हैं कि फर्स्ट फेज में जो 98,440 सीटें बच्चों को आवंटित हुई हैं इसमें कितने अभ्यर्थियों ने एडमिशन ले लिया है, बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। और अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है तो बिल्कुल नीचे देख भी पा रहे हैं 2,40,000 रैंक के सभी अभ्यर्थी इतने डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार। जाहिर सी बात है आप सभी को इंतज़ार है सेकंड फेज काउंसलिंग का। तो अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है तो बिल्कुल आप सभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखेंगे, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आप सभी के लिए मैंने डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के नोट्स को लॉन्च किया है। अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। महज 220 रुपये आपका शुल्क रखा गया है, ठीक है। इसी 220 रुपये में आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और आपके संपूर्ण नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बहुत कम शुल्क है, अगर आप जो है कोर्स को परचेज करते हैं तो बिल्कुल आप सभी के लिए कहीं ना कहीं वो नोट्स आपकी जो परीक्षा होगी उसमें एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करने में मदद करेगा, ठीक है। तो बहरहाल आप लेना चाहेंगे तो बिल्कुल मैंने आपके बीच में व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया है, ठीक है, नंबर भी दिया है 94,52,33,53। अगर आपको नोट्स के संदर्भ में या व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम जिस पर नोट्स जाएगी वो ग्रुप अलग बना हुआ है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं वो आपके इन्फॉर्मेशन मात्र के लिए बनाया गया। आप कोई भी जो है ज्वाइन कर लीजिए, बट नोट्स के लिए आपको अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, वह पेड चैनल है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड फेज काउंसलिंग की बातें आप कर रहे हैं कि भैया आखिरकार जो है सेकंड काउंसलिंग 26 अक्टूबर से जो हमारी स्टार्ट है जो है उसका शेड्यूल जो है कब जारी होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ तो लिखा गया है कि शेड्यूल हुआ जारी, लेकिन अगर हम आपसे बताएं, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया है और लगातार इसके संदर्भ में हम आपको डीएलएड के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स प्रोवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ शेड्यूल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 26 अक्टूबर से पहले ये मानकर चलिएगा कि 23-24 में आपका जो सेकेंड फेज का काउंसलिंग शेड्यूल है वो पीएनपी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अब आप कह रहे थे कि आखिरकार कितने चरणों में काउंसलिंग हो सकती है। देखिए अभी ये चरण के बारे में भैया किसी को नहीं पता, लोग भले ही जो है तीन चरण चार चरण की बातें कर रहे हैं कि आपकी काउंसलिंग हो सकती है, लेकिन इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, लोग तुक्का मार रहे हैं कि नहीं चार चरण में हो सकता है, पाँच चरण में हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उस तरह हो सकता है, ठीक है, तमाम तरह की बातें लोग कर रहे हैं। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कम से कम चार चरण में होने के पूरे पूरे चांसेस कहे जा रहे हैं। अब यहाँ फर्स्ट फेज के संदर्भ में आप जो कह रहे थे बट 26 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप कह रहे थे जो है फर्स्ट फेज में जो 98,440 अभ्यर्थियों को जो सीटें आवंटित हुई है इसमें कितने अभ्यर्थी एडमिशन ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके संदर्भ में हम कहें कितने अभ्यर्थी एडमिशन ले लेंगे तो मैंने आपको बताया है कि कम से कम ये 440 सीटें तो खाली रहेंगे ही, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 10,000 रुपये का तो पेमेंट कर दिए हैं बट जहां वो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कॉलेज उन्हें अलॉट हुआ है उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो उन्हें कॉलेज परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर आप कॉलेज को परिवर्तन करते हैं या कॉलेज बदलते हैं तो आपको 10,000 रुपये नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, आपने सिर्फ 5,000 रुपये काउंसलिंग शुल्क जमा किया है और 5,000 रुपये कन्फर्मेशन शुल्क नहीं जमा किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपका 5,000 ही लॉस जाएगा। अगर आपने दोनों शुल्क को जमा किया है तो मेरा जहाँ तक मानना है आपको जो भी कॉलेज मिला है उसी से आपको संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। डीएलएड वहां भी करेंगे, डीएलएड वहां भी करेंगे। हाँ, अगर फीसों का कुछ प्रावधान ज्यादा होगा तो बिल्कुल आप कॉलेज का परिवर्तन कर सकते हैं, बट मेरे समझ से ये जो है पहुंच से बाहर है। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको यार जो कॉलेज अलाट हो गया आप उसी में संतुष्ट रहिए, 10,000 रुपये कोई मतलब नहीं है नुकसान करने का, ठीक है।
कॉलेज बदलेंगे कैसे, आप जब सेकंड फेज की काउंसलिंग होगी उसमें आप जो है दोबारा से पांच जो प्रोसेस आप फर्स्ट फेज में किए हैं सेम वही प्रोसेस आपको सेकंड फेज में करना होगा। यही अगर कॉलेज मिल गया है और आप एडमिशन नहीं लिए तो आपको ये 5,000 रुपये दो बार जो आपने जमा किया है, कुछ लोग एक बार जमा किए होंगे, जो लोग एक बार जमा किए होंगे फिर से उनको 5,000 जमा करना होगा, लेकिन जो लोग यानी 5,000 रुपये दो बार जमा कर दिए हैं उनको ये दोनों बार ही 5,000 रुपये जमा कर, यानी 10,000 रुपये उनका पूरी तरह से लॉस चला जाएगा। इसलिए जो है आपको जो भी कॉलेज मिला है यार आप उसी में संतुष्ट रहिए, ठीक है। हम बात करते हैं जो आप कह रहे थे कि कितने अभ्यर्थी, मैंने कहा आपसे लगभग 440 अभ्यर्थी जो है सीट को छोड़ ही देंगे। अब यहाँ जो मैंने आपसे कहा 240,000 रैंक के सभी अभ्यर्थी इतने डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार, डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में जिनकी भी रैंक 240,000 है वो लगातार पूछ रहे हैं भैया कितने डॉक्यूमेंट्स मुझे तैयार रखना है, स्कॉलरशिप के लिए क्या कुछ कैसे करना है। देखिए आप सभी के लिए अगर हम बताएं तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो सबसे पहले 5,000 रुपया आपको काउंसलिंग शुल्क जमा करना होगा, उसके बाद 5,000 रुपये आपको अलॉटमेंट फीस जमा करना होगा। ये दोनों लेटर आपके पास हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने जो आवेदन किया है वो प्रति होनी चाहिए। आवेदन के बाद जो है आपके पास हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र होना आपके लिए कंपलसरी है क्योंकि उसी से आपका जो है ये डोमिसाइल पता चलेगा कि आप कहाँ के निवासी हैं, किस जिले के हैं, ठीक है। अगर बात करें हम सिर्फ यूपी का ही बच्चा यूपी डीएलएड कर सकता है, बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप नहीं कर सकते, ठीक, इसी के लिए कंपलसरी है। अब आपके पास जो आज ये मैंने बता दिया मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, अगर ये सब नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा चल जाएगा, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आपके पास अगर सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लिए, बाकी फ़ोटो आधार कार्ड ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं हर अभ्यर्थी के पास होती ही है, ठीक है। तो आप इस इतनी चीज़ों को समझ गए, मैंने एक अपडेट्स आपके बीच में डाला था 45,000 रुपये जो है दोनों साल में डीएलएड कंप्लीट करने के लिए, अगर आपको उसकी ज़रूरत है, अगर आप 45,000 में करना चाह रहे हैं फिरोजाबाद में तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। मैंने नंबर 94,52,33,53 दिया है, आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपका 45,000 से एक रुपया ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आप कैसे क्या उनका क्या प्रोसेस है इस जो है सार्वजनिक मंच पर आपसे नहीं बताया जा सकता, अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन हाँ अगर आप वहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा ताकि आपके लिए कुछ हम बेहतर कर पाएँ, बाकी अदरवाइज आप गुमनाम स्थिति में अगर एडमिशन मेरे नाम पर ले रहे हैं तो आगे चलकर हम आपके जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो बिल्कुल मुझे आप अवगत ज़रूर कराइएगा ताकि हम अपने लिस्ट में आपका नाम जो है वो लिख पाएँ। लिखने से जो है क्या फ़ायदा है, आप कॉल करेंगे तो मैं आपको खुद बता दूंगा कि मैं नाम आपका क्यों लिख रहा हूं, क्या करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, लोग घबराते हैं कि कहां वहां जा रहे हैं कैसे क्या करेंगे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, हर सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी, ठीक है। आपको जो है अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, या कमेंट से बेहतर यही है कि मैंने नंबर जो दिया है आप उन नंबरों पर संपर्क कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।